हमारे साथ बाबा दुबे के इंटैक्ट वाले ग्रुप से प्रदेश महिला अध्यक्ष निशा भगत जी हैं, और आपके रांची मतलब झारखंड में अब नया लहर आया और नया अध्यक्ष मिला है झारखंड प्रदेश कांग्रेस। जी जी जी, उनसे क्या क्या आशा रखते हैं संगठन को लेकर? संगठन में मजबूती होगी तब तो इतने युवा और प्रखर व्यक्ति को आला कमान ने चुनने का निर्णय लिया और उनको पद दिया है, और हम लोगों में काफ़ी जोश है और खुशी का जो भी युवा है उसमें है, क्योंकि अभी जो प्रदेश का कमान दिया गया है वो युवा नेतृत्व में है, और हमें पूरे उम्मीद है और हम लोग उनके पूरे साथ में पूरे संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देंगे उनके साथ। हमें बहुत खुशी है कि युवा प्रतिनिधित्व आए हुए हैं। अभी मेन ब्लूप्रिंट क्या रहेगा आप लोगों, क्या क्या फर्स्ट स्टेप में रहेगा आपके विस्तार करने के लिए, क्या क्या प्लान है आप लोगों के पास? कैसे तक गांव तक पहुंचिएगा आप लोग? मेन तो गांव तक पहुंचना है ना। बिल्कुल, हम लोगों का पूरा झारखंड जितना भी गांव हो शहर हो हर इलाके में हर जगह पे हम लोग इस बार हाथ छाप का निशान छोड़ेंगे और पूरी तरीके से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, ताकि सभी जानते हैं ये पूर्वजों का ही दिन है, ये उन्हीं का छाप है हाथ छाप, और ये जो अभी बीच में धूमिल किया गया था उसको उस छवि को पुनः स्वच्छ छवि के साथ में लाने का, कांग्रेस पार्टी को लाने का ये जो युवा नेतृत्व को जो दामन जिन्होंने दिया है, अभी जो पद उन्होंने दिया है वो बहुत ही नेक काम किया है उन्होंने, ताकि हम लोग पूरे गांव तक युवाओं को पुनः जोड़ सकें। निशा जी, एक बात गांव तक तो जोड़ लीजिएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गांव की गरीबी, ठीक है। हाँ हाँ, झारखंड इंडिया में सबसे बड़ा मिनरल स्टेट है, 60% से मिनरल है जो पूरे देश का इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, लेकिन एक बात आप जानते हैं कि झारखंड के जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे नीचे है 87 नंबर पे। आपकी सरकार पहले भी रही है, अभी भी रह रही है, तो क्या प्लान है कि आय को आगे बढ़ाया जाए? सबसे बड़ी बात है संगठन तो इंसानों के लिए होता है ना। देखिए, संगठन और इंसान के लिए होते हैं, लेकिन अभी जैसे विकास के लिए होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपने अभी कही कि कुछ जो व्यक्तियों का भी नाम लिया आपने, जैसे कहा कि इसमें होना चाहिए, इनको आना चाहिए। 27 नंबर में डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है, आपकी मतलब स्टेट गवर्नमेंट की भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्रति व्यक्ति आय 27 नंबर पे है, मतलब 27 जो आपका प्रदेश जी, है जी, जी, जी। उसमें आप सबसे आखिरी में, आप पायदान में आते हैं। क्यों नहीं आखिरी पायदान में आएंगे, जब बीजेपी की सरकार अभी आई उस टाइम नहीं, हमारी सरकार भी रही उस टाइम तो हमारा ये कंडीशन नहीं था, नहीं हमारी नहीं, अभी का क्या है, अभी का क्या है कि अभी जब आई हुई है तो आप जान रहे हैं कि खदान जितना भी कोयलारी एरिया है जितने भी सब निजीकरण हो जा रहे हैं, तो फिर हमारे मजदूर सब कहाँ जाएंगे, जहाँ से कहाँ से आय का साधन बनाएंगे, जब कहा जा रहा है कि नहीं हम लोगों को गैस सिलेंडर की बात करी थी कि मुफ्त में दिया जाएगा कि वह सब्सिडी दिया जाएगा, उसमें कहाँ से लाएंगे गाँव वाले लोग, जब हमारा जो कोरोना का काल, अभी हमें सरकार जब आई है तब कोरोना का काल, आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में कैसे उन्नत हो जाएगा, कैसे लोग अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में यही जो सरकार है जो सबसे पहला इनिशिएट लिया, जो मजदूरों के हक के लिए भी लिया और लोगों के लिए भी लिया है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो सरकार है वो आम आदमी के हित के लिए नहीं है। सबसे पहला इनिशिएट इन्होंने लिया था, और आप देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में सरकार को लोगों के फेवर में होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार जो है कि हमारी पूरे झारखंड की संपत्ति को बेचने में लगी हुई है। ये बात तो सही है, तो ये तो दुनिया जान रही है कि भाई प्राइवेटीकरण का दौर चल रहा है, लेकिन 21 साल हो गया झारखंड का आज़ादी का, मतलब झारखंड आज़ादी क्या बोलेंगे, नया झारखंड बिहार से अलग होकर बना, अलग होकर बना है, लेकिन जो जिस उद्देश्य से बना था कि भाई यहाँ के व्यक्तियों का आय बढ़ेगा, यहाँ का जीवन शैली उन्नत होगा, लेकिन आपकी सरकार भी 3 बार रह चुकी है, एक बार गुरु जी के समय, आप देख लीजिए ना कितने टर्म के लिए रही है, कितना समय के लिए रह पाई है, कितना वो भी कार्यकाल देखिए आप, ऐसा नहीं है कि बन गए हैं तो मतलब कार्यकाल भी तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए भी रहा था, लेकिन इस बार का जो बना हम लोग हमारी पूरी बहुमत की सरकार, अभी हमने पूरा सोचा कि हम लोगों ने पूरी उम्मीद करी, लेकिन कोरोना काल से कौन अछूता है, पूरा राज्य नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व इस चपेट में आय कल, मतलब जो 27 नंबर से हम लोग 25, 24 व 22 में आएंगे इस सरकार में, जो 5 साल, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि हमारी जो सरकार है ये आने वाला युवा पीढ़ी को रोजगार भी देगी, और जो युवा है वो वैसा उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि रोजगार मिलेगी, और हमारे जो झारखंड के लोग हैं बाहर पलायन नहीं करेंगे, इस पे भी सरकार काफी हद तक सोच रही है। क्वेश्चन है, इस प्रदेश में सब, अब तो महिला है, सबसे बड़ा चैलेंज है कुपोषण गर्भवती महिलाओं के, जो अब गर्भवती होती है तो उनको अच्छा पोषण नहीं मिलता, बच्चे फिर कमजोर पैदा होते हैं, जो नई पीढ़ी हम लोग का जो मिलता है वो कमजोर पीढ़ी मिल रही है, कुपोषण है। दूसरी बात हो गया जो लड़कियों का पलायन है, जो अभी जस्ट आप बोले गुमला, उसके लिए क्या प्लान है, क्या इंडस्ट्री ला रहे हैं, बस रोजगार योजना ला रहे हैं, कितना धरातल में पहुंचेगा? अभी अभी मैंने आपको कहा कि जैसा कि सरकार बनने के बाद
पूरी तरीके से कोरोना की चपेट में रहते हुए भी आपने अभी कोरोना में भी देखा कि कई महिलाओं को बच्चियों को ले जाने का काम किया गया था जो सरकार के द्वारा रोका गया। आप भी इसको देख रहे हैं, ये पूरी झारखंड देख रही है कि किस तरीके से सरकार का बहुत प्रयास रहा है कि इन लोगों को रोकने का। और अभी जैसे महिला मंडल को कुछ फंड्स दिए गए हैं सुकर पालन से लेकर के कई ऐसे आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको फंड्स दिए गए हैं, तो इस तरीके से रोजगार जनरेट हो रहा है, गाँव में लोग पलायन ना करें, बाहर ना जाए, शोषण ना हो महिलाओं का, इस पर सरकार का पूरी तरीके से ध्यान है। चलिए इस बार बाबा के ग्रुप मतलब ददे दुबे बाबा ग्रुप से इंटेट के महिला अध्यक्ष राज झारखंड के निशा भगत जी थे और इनका पॉजिटिव सोच भी है और एक्सेप्ट भी है, सनी भी है कि भाई इन आप झारखंड विकास होगा, बाकी हम ही लड़खड़ाते हुए बोल रहे हैं कि लड़खड़ाते हुए कब क्लियर होगा कि झारखंड का विकास कब हो। इसका मतलब एक ही है कि भाई सरकार भाजपा की या कांग्रेस या जे एम एम किसी की भी हो, विकास होना चाहिए और जो पर व्यक्ति आय है जो हमारे देश में मतलब हमारे प्रदेश में जो सबसे कुपोषण पलायन दरिद्रता खत्म हो। कैमरामैन सागर साथ जॉय गुरु ब्रांच न्यूज़ अपस्टेट झारखंड।